सीईटी एग्ज़ाम पेपर 2024 सेकंड शिफ्ट का है, 28 तारीख का। समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको संतुष्टि के साथ दिए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम पेपर की शुरुआत करते हैं। राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है? राखा कॉपर खदान कहाँ स्थित है? ये है झारखंड में। सॉरी, राखा कॉपर खदान कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजरी, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए काजरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST 2007 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 356 के तहत आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए गुड ऑफिशियल लेटर नीड नॉट हैव लैटिन क्वेटेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन क्वेटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार। शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति फिक्स्ड पोजीशन में देखा जाता है, ऐसे ग्रह को क्या कहते हैं? भूस्थैतिक उपग्रह यानी भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि होती है तो एक वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा? एक वर्ष के बाद नया अनुपात होगा 10:13। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया है वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि हम जो अनुपात दे रखा है तो कुल संख्या आएगी तभी हम इनको परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 5x कुल संख्या हो जाएगी, फिर उसमें 5x यानी 20% जोड़ेंगे तो 5x × 20/100। फिर इसका अनुपात है 6x लड़कियों का, फिर उसके बाद में प्लस 6x 30/100। अब इसको हम काट देंगे, काटने के बाद में जो हमारे पास में नया अनुपात आएगा वो 10:13 प्राप्त होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करने वाला क्वेश्चन है, चिन्ह चेंज करके इसको हल करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जगह पर आ जाएगा घटाव, तो यहाँ घटाव लिख देंगे 9 और 7 के बीच में, और जोड़ना तो 31 और 81 के बीच में जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और साइन डॉलर के स्थान पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम भाग को करते हैं, फिर उसके बाद हम गुणा को हल करते हैं, और सबसे लास्ट में जोड़ और बाकी को हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 81 9, 9 में से 7 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 31 में जोड़ेंगे तो 33 आएगा, तो हमारा 33 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पूरा वीडियो देखना, सब कुछ आपको सही सारे प्रश्नों को सही से समझाया जाएगा। अभी मिलान वाला क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो जसवंत सिंह का थड़ा है जोधपुर में, शासकों और पाली वालों की छत्रियाँ ये जैसलमेर में है। पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में पाए जाते हैं, जिन्होंने टाका का निर्माण किया था, ठीक है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और फतेह गुंबद है अलवर ज़िले में। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की? विदेशी व्यापार नीति 2015 और 2020 ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया था? यह है लिंडी कैमरून को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंडी कैमरून। 73वें संविधान संशोधन, 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है? ये मनाया जाता भाद्रपद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद में कजली मनाया जाता है। किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? गोल्डन लंगूर पाया जाता है मानस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई थी? ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल समिट। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता यानी विंड कैपेसिटी दर्ज की गई थी? सबसे उपयुक्त विकल्प है उच्च पवन क्षमता, ये तमिलनाडु में दर्ज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से है ये, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द पैसिव फॉर्म
ऑफ द सेंटेंस बिलो दे रेंज द चर्च वेल्स एज ए फ्लोड वार्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द चर्च वेल्स वर रन रंग एज ए फ्लड वार्निंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया गया था। तो इसका सीधा सा आंसर होगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये हो जाएगी बिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1959 में राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक व्यक्ति आसीन हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है तो उत प्लस नति उन्नति। ऑप्शन बी विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है बाकी सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाले अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। इसको क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें प्राप्त होगा छठा अक्षर कौन सा होगा। यू प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अब यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। बिल्कुल सही। दूसरा गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। तो ये गलत है और ये सही है। तो पहला सही दूसरा गलत। तो पहला सही दूसरा गलत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इफ दे हैंग दैट पिक्चर लॉर प्यूपिल्स वुड बी एबल टू सी इट। तो यहाँ पर आएगा HANG। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। HANG हैंग आएगा इसमें हंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोच पन बिजली परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है। तो भारत और भूटान की ये परियोजना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और भूटान। अगला क्वेश्चन है मुर्गी दानों में यह शामिल होता है दोन मुर्गी दाने में शामिल होता है मक्का जौ बाजरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का जौ बाजरा। अगला क्वेश्चन है अंकुर ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए जो 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गए। यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक हो तो कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये राशि प्राप्त होगी 9,920 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका हल हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए
अंकुर ने 8000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए, इसको हल कैसे करना है? तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दे रखा है कि वार्षिक ब्याज 3% अधिक हो। तो जब हमने इसका ब्याज निकाला तो ब्याज हमें 5% प्राप्त हुआ। अब ये कह रहा 3% और अधिक होना चाहिए, तो 3% अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8% ब्याज की दर हो जाएगी। 8% ब्याज की दर से हम इसको निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8/3। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, इनको काटेंगे तो हमें हमें प्राप्त होगा 1920 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, 1920 रुपये। और 1920 रुपये को हम 8000 में जोड़ेंगे तो हमारा 9920 रुपये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये था इसका सही। क्वेश्चन नंबर 34, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि ARF की स्थापना की गई थी किसके लिए? राष्ट्रीय बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश से है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बट माइन इन नॉट ए ए इन नॉट ए टिपिकल स्टोरी इन माई स्टोरी द द स्कॉट्समैन इज जेनरस द इरिश मैन इज लॉजिकल एंड द फिर से द आएगा इंग्लिश मैन इज रोमांटिक ऑन इफ इट इज द आएगा फिर से यहाँ पे द फंटास्टिक स्टोरी आई विल लिसन विथ ए प्लेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें इंग्लिश के वर्ड है उनको हिंदी से मिलाना है, तो यहाँ पर मिलाएंगे एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का हो जाएगा अनुमोदन, ट्रांसलिस्टरेशन का हो जाएगा लिपचंत्रण, सबऑर्डिनेट का होगा सबऑर्डिनेट का अधीनस्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाएगा रूपांतरण, यहाँ पर हो जाएगा एक सॉरी दो एक चार तीन, दो एक चार तीन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिलिंग दोनों का सदस्य होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए पेंगोंग त्योसो और त्योसो मोरीरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है कश्मीरी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालय क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक होता है? यह रोहेडोडेंड्रान, ऑप्शन ए रोहेडोडेंड्रान। अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम क्या था? विशाल आंध्र आंदोलन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है?
तो कृषि उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग कृषि उद्योग नहीं है। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? जीवन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पर्ची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वेट फॉर मी एट द ब्रिज सेड रहीम। तो रहीम टोल्ड हर टू वेट फॉर हिम एट द ब्रिज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती धोरारी गाने के गीतकार। धरती धोरारी इसके है, धरती धोरारी के लेखक है कन्हैया लाल सेठिया, शायद छुप गया है, तो ये रहा कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है, तो पूर्व संरेखण इसमें आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण तो यहाँ पर देखते हैं अन्वय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी देख बी देखते हैं कौन कौन से में है, तो ऑप्शन बी ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बी है, और बी और कौन से में डी, इसमें बी है, और यहाँ पर देखते हैं निष्फल, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग विसर्ग यण संधि है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन कट जाते हैं, डी भी कट जाता है, तो बचा हुआ ए सी ई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 में, ए सी ई जो व्यंजन संधि के उदाहरण है। कथन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बिल्कुल सही होती है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजर जाता है, तो यही गलत है, यानी कि इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो पहला कथन सही है दूसरा गलत है, तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं, तो पासिंग मार्क क्या होगे? तो यहाँ पर 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल होता है, और लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उत्तीर्ण उम्मीदवार से 12% अधिक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर कॉमन सी बात यह है कि जो 42 है उसमें से हम 12% घटा देंगे तो 30% बचता है, तो 30% पर व्यक्ति पास हो जाता है, तो इस पर ये पास हो जाता है, और 20% अंक लाने वाला 15 अंक कम लाता है, यानी कि अगर ये 30% ले आता तो पास हो जाता पहला व्यक्ति, तो इसको 10% कम रही थे, 10% बराबर किसके हैं? 15 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 10 को 30 करेंगे तो ये 30% होता है, उसी तरह से 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 पासिंग मार्क होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 49, यदि बी बराबर 25 है, SON बराबर 33 है, तब पेन बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर
इसने अंग्रेजी वर्ण क्रम का उल्टा कर दिया है, जेड से इसने गिनती शुरू की है और तब जा कर के बी पर 25 हो जाता है। उसी तरह से उल्टे क्रम में सबको गिनते हैं तो हमें पेन का सही जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पेन में पी दे रखा है तो ई का प्राप्त होता है, ई का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो पी का क्रमांक हो जाएगा 11, एन का 13 और ई का 22, जोड़ करके हमें प्राप्त होगा 23, 46। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान में निम्न में से किस शहर में है? जयपुर शहर में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 33% है। ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन डी। यहाँ पर यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है और वह 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है इसकी चाल आएगी, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 3600/1000 से इसको गुणा करेंगे इसकी चाल को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोष, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर घोष। इसका आएगा प्रोक्लेमेटेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जाति में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव जाति में ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़ी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना है? तो ये है फ्रांस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो गैंडा काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड है श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का अधिक सम्मान पाता है, डी राइट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से 140 अधिक है तो सामाजिक विज्ञान और गणित में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर प्राप्त अंकों का औसत 70 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी 4 विषय हैं और उसमें जो कुल अंक प्राप्त करता है विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक से 40 अधिक है, तो विज्ञान और गणित यहाँ भी दे रखा है और विज्ञान गणित यहाँ भी दे रखा है, तो यहाँ पर 40 अधिक है। तो जो 40 अधिक है वो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के है, ये 140 किसके हैं? सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के। अब ये कह रहा है तो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में इसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? तो 140 है सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में, तो इसका औसत निकाल लेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 70 आएगा, तो औसत कितना आएगा? 70, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM के सह संस्थापक थे, गुट निरपेक्ष के सह संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अर्धविराम के लिए प्रयुक्त है? अर्धविराम के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन बी अल्पविराम का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो बाड़मेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं था, ऑप्शन सी। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर शामिल थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है कहलाता है, संग्रहण की क्षमता कहते हैं इसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा संग्रहण क्षमता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांश यानी कैरेक्टर्स और विशेष पूर्णांश यानी कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? इसमें आ जाएगा कीबोर्ड आ जाएगा, ऑप्शन सी। स्वर संधि के भेद होते हैं पांच, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचों के नाम बताता हूँ, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि, पांच संधि हो गई। अब नेक्स्ट, बाइनरी कोड एडिशन BCD संयोजन की गणना करें, 2+3 को कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 0101, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विट वाइज ऑपरेटर नहीं है? विट वाइज ऑपरेटर नहीं है, डॉट यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, डॉट नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया था? ये किया था मुंबई ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, 3, 4, 5 ओम के और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये समान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान है, तो ये गलत है, विभवांतर समान नहीं होगा, सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान रहेगी, तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आएगा और विद्युत धारा I बराबर V/R होता है, तो 6/12.5 एम्पियर, आधा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा BCD, तो BCD ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें आकृतियों को पहचानना है, तो इसमें सही आकृति हो जाएगी 5 गोले वाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कुमुदिनी है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कुमुदिनी। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा ये है, लेकिन ध्रुव नंदा नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह था। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष श्री एम नरसिंह राव थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की सिफारिश की थी इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अंग्रेज मारवाड़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वित्तीय प्रणाली में SLR का पूर्ण रूप है, SLR का पूर्ण रूप है वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी SLR का पूर्ण रूप है वैधानिक तरलता अनुपात, गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऊपरी सरल प्रत्येक, तो प्रत्येक गुणवाचक नहीं है, बाकी सब में गुण है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी जानते हैं कमल है। अगला, उचित चित्र को चुनें, उस चित्र का चयन करना है जो सबसे अलग है। यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है वो मैं बताता हूँ। 7 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद में 113 प्राप्त होता है। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करते हैं, 61 प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है, ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ऑप्शन डी। राजस्थान सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा को जमीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की, 73वां संविधान संशोधन ने। क्वेश्चन नंबर 89, इसका सही कंफर्म पक्का पता नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देंगे विवरण। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य कार्य क्या है, आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द फ्रेश फिट टू ड्रिंक, पोर्टेबल, ऑप्शन डी राइट आंसर, पोर्टेबल। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, री तथा ठ दोनों का वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो दोनों ही कथन सत्य है। दोनों सत्य है तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सोशिएबल, सोशिएबल का हो जाएगा फ्रेंडली। किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये सर्किल है, राउंड टेबल
उस राउंड टेबल पर इनको क्रम में बिठाना है, और बिठाने के बाद में हमें प्राप्त होगा जी का सही मान। जी तब जी की स्थिति क्या होगी, तो ये होगा ए के ठीक दाई ओर स्थित होगा जब हम इसको सही से व्यवस्थित करेंगे। तो ऑप्शन बी, राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान है रामपुर अगूचा खदान। रामपुर अगूचा खदान ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश में शराबीपन के विरुद्ध था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सावरकर ने मित्र मेरा नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई और ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों का सम सत्य ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर लाना है, जब इसको हम ठीक से करेंगे तो H 121 एफ आएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल में होता है, तो ये गलत है, सभी जलों में हो जाता है। हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन एक सस्ता स्रोत है मछली, तो ये सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये लुप्त चिन्ह को पहचानना है, तो यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट रूप से कि 7 को 5, 7 5 35 एक बढ़ा करके 6 लिखा, 12 6 48 एक बढ़ा करके लिखे 4 को 5 कर दिया, 9 9 7 63 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, 8। कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को 10 कृषि क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्म भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा गया है, न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश से है, फ्रॉम द ऑप्शन बिलो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस। लैला इज द फीलिंग्स डाउन इन द डंप इज ए टेम्परेरी फेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फीलिंग वेरी सैड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मैथ से है, करने के लिए हम प्रतिशत निकालेंगे, बराबर प्रतिशत निकालेंगे, तो क्रयमूल्य को हम x मानेंगे, क्रयमूल्य को x माना, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा देते हैं, तो क्रय मूल्य x घटा देते हैं और ये x, और इसका परसेंट निकालते हैं तो हमें 10% होगा। उसी तरह से जब बराबर होता है हानि, तो यहाँ पर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, तो x माइनस 426/100। जब इनको काटते हैं तो काटने के बाद में हमारे पास में बचते हैं, इनको हल करने के बाद में फिर जो x का मान बचेगा, उस x के मान में हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 50% का आधा पूछ रहा है, तो 1/4 पूछ रहा है, तो इसका मान आएगा 138.25 आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 138.25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी। सन 1960 में सृजित राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन ए। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1975 में शुरू की गई थी ICDS, ऑप्शन ए। सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा पाकिस्तान में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यटकों में से कौन सा निम्न पर्यटक केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? गुलाब बाग अजमेर के पास में नहीं है, दौलत बाग, आना सागर, तारागढ़, ये सब अजमेर के पास में है। कौन सा फाइल विस्तार MS पावर पॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफॉल्ट से यानी सेव सुरक्षित करते हैं? तो यहाँ पर है .PTX, होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सही है, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो ये दोनों ही सही है, तो दोनों कथन सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो वह है राजस्थान। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर ऐसे पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाए तो तार की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर ये गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और तार का आयतन होता है 4π, सॉरी इसका होता है πr²h। अब इसमें इसका मान रखेंगे, मान रखने के बाद में जो मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसको हल करने पर 2133, सही 1/2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को जाना जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन सी शुद्ध होगा। परोक्ष में निहित समास है, इसमें अव्ययीभाव समास होगा। इंग्लिश से क्वेश्चन है, इंडिया इज बीस्ट विद विद आएगा यहाँ पर, विद बी मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? तो बाड़मेर के पास स्थित है किराड़ू का मंदिर, बाड़मेर के पास में स्थित है, ऑप्शन डी। विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, 21वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो इसमें 21वें पुरस्कार के लिए नरेंद्र मोदी को चुना गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है, ये भी कथन थोड़ा सही नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल वनों पर रख रखाव करना चाहिए, तो ये गलत है, केवल नहीं हो सकता। पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा सकता है, तो ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, केवल दूसरा ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है विटामिन ई को, बी ऑप्शन। कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? ये हॉटमेल, ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन से लोह एस को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? सीडेराइट, सीडेराइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिवानी की बहन ऋतु माँ, शिवानी की बहन ऋतु की माँ कविता है, कविता की बहन नेहा की माँ माया है, तो नेहा का ऋतु से क्या संबंध होगा? तो इसे मौसी, मौसी होगी इसकी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मौसी। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, यू आर एग्री इज जस्टिफाइड, यू आर एंग्री इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा होना जायज है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, तब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो ये आएगा उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा करके बैठेगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दर्राहा गेम अभ्यारण्य को किसके रूप में परिवर्तित किया गया? मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में दर्रा को मुकुंदरा में परिवर्तित कर दिया गया। कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? यह है मिजोरम, मिजोरम को मोलेसिस के नाम से जाना जाता है, सॉरी मिजोरम ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी? औद्योगिक विकास की दर को तेज करना ये चुनौती नहीं थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर पैसेज है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उत्तर देने हैं। द मेन आइडिया इन द राइट अप इज, तो मेकिंग अस लर्न दैट फॉरगेटफुलनेस इज इनेविएबल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड प्रेसिस मीन्स, बर्ड प्रेसिस मीन्स स्पेसिफिक, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लीजा जिनोवा, रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग डाटा फ्रॉम योर मेमोरी इज नेसेसरी बिकॉज इट इज हेल्प मेंटेन सेनिटी, इट इज हेल्प मेंटेन सेनिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द की टू ए वेल फंक्शनिंग मेमोरी सिस्टम इज, तो बैलेंसिंग डाटा स्टोरेज एंड डाटा डिस्पोजल, बैलेंसिंग डाटा स्टोरेज एंड डाटा डिस्पोजल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पासम, पासामेंटस, ऑर्थेंटस एंड फ्लुएंटस निम्न में से किस मिट्टी के प्रकार है? ये एंटीसोल मिट्टी के प्रकार है, ऑप्शन डी। दादू दयाल का जन्म अलवर में नहीं हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद, अहमदाबाद में हुआ था 1542 एडी में फागुन शुक्ल नौमी को। दादू ने सामान्य भाषा में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है दूसरा सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान का निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है?
यह माही बजाज सागर बांध ये जल विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खांडेला, ये गोठा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भवदीय, ऑप्शन ए। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन सी। चाय किस देश की एक देशी फसल है? तो चाय तो चाइना की होगी, ऑप्शन सी। किस विषय विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों पर चर्चा होती है? तो जनसांख्यिकी में होती है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था? सरकारी कामकाज के लिए प्रमुख भाषा के रूप में राजभाषा का उपयोग किया गया, ऑप्शन बी। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग, ऑप्शन ए। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीईटी के कंप्लीट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके विषय में कमेंट करके बताना। आपको किसी प्रकार की मदद या सहायता चाहिए देनी हो तो आप हमें दे सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीईटी का पेपर इसी तरह का आता है और अब 5 ऑप्शन वाला चालू कर दिया है। इसी तरह से आपको देने होंगे, 40% आपको लाने हैं। एससी एसटी ओबीसी को 35% पर पासिंग मार्क होते हैं।